हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टारगेट UPPCS ARO Stage 1 UPSSSC मंडी इंस्पेक्टर 2019 प्रिलिम्स में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन फिर आज लेके आए हुए हैं। दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा वही प्रश्न यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क, जो था चाणक्य और नागार्जुन के दरबार की शोभा थे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी कुषाण शासकों ने। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुषाण, यहाँ कुषाण कर लीजिएगा, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग आरंभ करवाया था। आज का चौथा क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ण। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन भारत में था, या कहें उत्तर भारत में था। आज का पांचवा क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए पांग यंग, ऑप्शन सी पेन चाओ, ऑप्शन सी हो टी, ऑप्शन डी सी हुआंग टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैन चाओ। पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था, ये चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण। कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए प्राचीन काल में। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैन। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी कदम, ऑप्शन डी पांडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कदम का उल्लेख संगम साहित्य के राजवंशों में नहीं हुआ है। आज का नवा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, जो था गुप्त वंश का वह राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आज का हमारा दसवां और अंतिम क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। थैंक यू वेरी मच।